हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मारवाड़ी भोज में। आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो हम नवरात्र स्पेशल है हमारी, और हम नवरात्रों के दौरान इसका आराम से फायदा आनंद उठा सकते हैं, आराम से इस रेसिपी का फायदा ले सकते हैं। ये रेसिपी है हमारी आलू का हलवा। आलू का हलवा वैसे तो आपने देखा है कि आलू हम दिनों दिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, और हम खा खा के बोर हो जाते हैं। बट आज मैं आलू को एक नया फॉर्म दूंगी, एक नई रेसिपी बनाऊंगी, जिससे कि आपको आलू बिल्कुल ही मज़ा आ जाएगा आपको आलू खाते। तो चलिए हम आलू का हलवा बनाते हैं। पर रेसिपी बनाने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पर इसके अलावा आप अगर एक बेल आइकन अपने चैनल पर दबा देंगे, अगर बेल आइकन हिट कर देंगे, तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। तो मैं अब और समय नहीं लूँगी और मैं चलूँगी अपनी रेसिपी की तरफ। आलू का हलवा बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो इस तरीके से है। हम लेंगे लगभग 5 बॉईल किए हुए आलू हैं, इसको मैंने मैश कर लिया है। आप इसे मैश करने के समय कद्दूकस का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम हाथ से करते हैं तो उसमें थोड़े से लम्स पड़ जाते हैं, तो वो जो गांठे हैं उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता बिल्कुल भी। तो आप इसके अंदर इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। इसके अलावा मैंने लिए हैं लगभग 8 कैश्यू नट यानी कि काजू, इसको हमने बारीक डिज़ायर शेप में हम अपना काट लेंगे। उसके बाद मैंने लिया है रेजिन यानी कि किशमिश, किशमिश भी हमारी लगभग 10 से 15 है। हमने लिए है 4 कार्डमम यानी कि इलायची, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। इसको आपको ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना क्योंकि इलायची अपना एक अलग फ्लेवर देती है। इसके अलावा हमें लेना है बादाम, 8 से 10 बादाम है हमारे पास यानी कि आलमंड्स, और हमें लेना है 1 बाउल शुगर, मतलब ये लगभग आपकी 100 ग्राम के आसपास शुगर होगी, और हम लेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी। तो बस इन्हीं सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ हम अपना आलू का हलवा बनाना शुरू करेंगे और इस नवरात्रि को बहुत ही फैबुलस बनाएंगे। गैस ऑन कर लिए और हमारी कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो गई है, और मैंने इसके अंदर देसी घी डाल लिया है। मैंने आपको बताया था पहले कि 3 टेबलस्पून ये देसी घी है, इसमें से मैं अभी 2 ही डालूंगी और बाकी हम बचा लेंगे, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी घी हम मेल्ट होने देते हैं थोड़ा। अब घी बिल्कुल गर्म है, अब मैं इसके अंदर मैश किया हुआ जो आलू हमारा बॉइल्ड पोटैटो वो डाल दूंगी। और हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पर अच्छे से पकाएंगे, और हम इसे तब तक चलाएंगे घी में जब तक कि इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आलू आपके जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन कढ़ाई में आप बना रहे हैं, उसमें ये लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, चिपक सकता है। तो आप इसको लगातार ही चलाएंगे, लगातार, और हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि कलर इसका चेंज ना हो जाए। अब हमारा आलू जो है वो बिल्कुल भून गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी से आने लग गई है। अब टाइम है कि हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे 1 by 1। अब हम इसमें सबसे पहले चीनी ऐड करेंगे। चीनी डालने के बाद आप महसूस करेंगे कि चीनी जो है इसमें अपना पानी छोड़ रही है, क्योंकि चीनी जो मेल्ट होती है तो वो चाशनी में तब्दील हो जाती है, तो ये चीनी अपना पानी छोड़ेगी। तो हमें उसे पूरी अच्छी तरीके से चीनी को इसमें घुल जाने देना है और उसको अच्छे से ड्राई करना है। अब हमारी जो चीनी है वो अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट हो गई है। आप देख रहे हैं कि हलवे की जो बनावट है वो बहुत ही अच्छी आई है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हलवा बनेगा। अब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको घी कहा था इसके अंदर लास्ट में रखने के लिए, इसको हम बिल्कुल लास्ट में यूज़ करेंगे। ये हम तभी यूज़ करेंगे जब आपको लगे कि आपका हलवा बहुत ड्राई हो रहा है, पर मेरे हलवे में ऑलरेडी काफ़ी सारा इसमें आपको घी दिख रहा है, तो इसमें और साथ में चीनी भी मेल्ट हो गई, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सूखा लगता है आप तभी उसमें ऐड करें। तो हम आगे चलते हैं अपनी रेसिपी में। अब हम टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। सबसे पहले हम आलमंड डाल देंगे, इसके बाद हम कैश्यू नट डालेंगे, अब हम रेसिन डालेंगे,
और यहाँ पर थोड़ा मैं इसको चला दूंगी। आप देखें कितना सुंदर लग रहा है ये हलवा। और बिल्कुल लास्ट में हम इसमें कार्डमम डालेंगे, यानी कि इलायची। ये बिल्कुल आखिर में मैंने इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसकी खुशबू आगे तक चलती रहे थोड़ा सा। तो बस अब हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसकी मैं प्लेटिंग कर दूंगी। अब आप देख रहे हैं मैंने हलवा बना के बिल्कुल तैयार कर लिया है और इसकी प्लेटिंग करूंगी मैं। तो इसके ऊपर मैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं उसको मैं सजा देती हूँ ताकि ये देखने में बहुत ही अच्छा लगे। मैं कुछ बादाम डाल देती हूँ इसमें और काजू डाल देती हूँ। कुछ बेसन, किशमिश से ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो अब हमारा हलवा बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। तो आप भी इस नवरात्रे में जब फलिहारी करें तो इस आलू के हलवे का मज़ा उठाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके मेरे वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप इसमें जाकर कर सकते हैं। और इसी तरीके से मेरी हर रेसिपी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।